नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीतिका लूनिया। आप देख रहे हैं कैप्टन प्रीतिका। यहाँ है नो बकवास ओनली फैक्ट्स। सबसे पहले हम इस ट्राईपॉड की बात करेंगे, जो है तो वैसे सेल्फी स्टिक, बट इसे ट्राईपॉड की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। इसका इस तरह से तीन फ्लैप खुल जाता है, इस तरह देखो, ये स्टैंड की तरह यूज़ हो जाता है। और इसको आप बंद करके व्लॉग भी कर सकते हो, जैसे ऐसे कैमरा ऑन किया और अपनी तरफ व्लॉग कर लिया, तो वैसे भी कम्फर्टेबल है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है, हम इसे पूरी तरह से खोल के लंबा भी कर सकते हैं। मतलब नीचे से स्टैंड खोल लिया और इसको अगर कहीं मैं आउटडोर शूट कर रही हूँ तो मैंने इसे वहाँ पर स्टैंड करके अगर मुझे कुछ बोलना है सामने से तो वो कर सकते हैं। और ये पूरा हेड आगे पीछे टिल्ट हो जाता है, तो ये बहुत ही एक तो डुअल काम भी करता है और काफ़ी कंफर्टेबल है। साथ ही साथ इसके साथ हम मोबाइल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कैमरा से शूट नहीं करते, मोबाइल से करते हो, तो इसको यहाँ हटा के ये मोबाइल का जो स्टैंड आता है, ये एक दूसरे ट्राईपॉड के साथ मुझे मिला था, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। बस इसको यहाँ पर लगा देती हूँ, उसके बाद मोबाइल से शूट कर लेती हूँ। अमेज़न पर यही एग्जैक्ट वाला तो अवेलेबल मुझे नहीं दिखा, पर ऐसा ही सिमिलर एक दूसरा दिखा है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अभी जितना भी प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी सबका दे दूंगी, वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट जिसकी मैं बात करूंगी, वो भी सेल्फी स्टिक के साथ ही आया हुआ है। ये उनके लिए बेस्ट है जो कि सिर्फ टेबल पे रखे या फिर कहीं पे एक जगह रख के करना चाहते हैं। ये बहुत ही ईजीली यूज़ हो जाता है, क्योंकि एक तो इतना छोटा सा पतला सा है, बैग वैग में आराम से डल जाता है। और ये जैसे यहाँ पर ये अभी हेड लगाया हुआ है फ़ोन के लिए होल्डर का, सेम सिमिलरली आप यहाँ पे कैमरा भी लगा सकते हो, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने उस पर लगाया था। नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं गोरिल्ला ट्राईपॉड। इसका सबसे अच्छा बात होता है, पहले आपको ये दिखा दूँ कि यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन है, सेम यहाँ पर भी आप मोबाइल स्टैंड भी लगा सकते हो। सबसे अच्छी बात इसकी ये है, कहीं पर भी ये बैठ जाता है, सेट हो जाता है, क्योंकि ये इतना मुड़ता है, इतना फ्लेक्सिबल है ये, कि किसी पर भी आप लटका दो, कहीं पर भी रख दो, तो उसको ये नहीं है कि स्ट्रेट जगह होना चाहिए या ऐसा जगह होना चाहिए, कहीं पे भी ये बैठ जाता है। ये सबसे अच्छी बात है गोरिल्ला ट्राईपॉड की। पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, इसकी तीन चार क्वालिटी आती है, तो आपके ज़रूरत के हिसाब से क्वालिटी का लीजिएगा। मैंने जो लिया था उसका दाम 300 रुपया है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो मैं ट्राईपॉड आपको दिखा रही हूँ, ये सिम्पेक्स का है। ये अभी मैं करेंटली यूज़ करती हूँ, ये प्रोफेशनल वीडियोस के लिए बेस्ट है। आप अगर आउटडोर शूट करते हैं, कॉमेडी वीडियो शूट करते हैं, तो इतना इसका सॉफ्ट है ना ये हिंजेस, कि आपको एकदम फ्लेक्सिबल और स्मूथ फिनिशिंग देता है आपके वीडियोज़ में। और काफ़ी स्टर्डी है ये, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अभी तक का बेस्ट ट्राईपॉड है जो मैंने यूज़ किया है। और इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है, जब आप पूरी तरह से खोलते हो और इसको अगर पूरी तरह से स्टैंड कर दो तो ये 6 फीट तक चला जाता है इसका हाइट। तो उसकी वजह से आप कहीं पे भी आउटडोर या इंडोर कहीं पे भी शूट करो तो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है आपको। अगर आप प्रोडक्ट रिव्यू करते हो ना, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको प्रोडक्ट के अलग अलग एंगल से व्यूज़ लेने होते हैं, शूट मतलब जाते हुए स्लाइड करते हुए दिखाना पड़ता है, तो आप इससे बहुत अच्छे शॉट्स मिल जाएंगे, आपको बहुत ही स्मूथ शॉट्स मिल जाएंगे। ये सिम्पेक्स का है, VCT888RM। मैं अभी यही वाला यूज़ कर रही हूँ, मुझे सिम्पेक्स ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैंने पहले भी इसका यूज़ किया था, मुझे इसके प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, बाकियों के भी अच्छे होंगे। मैं अभी इसी का ही 2 प्रोडक्ट यूज़ कर चुकी हूँ, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखा रही हूँ मैनफ्रोटो का, ये भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टडी है, और ये भी स्पेशली व्लॉगिंग के लिए या फिर व्लॉग करने के बाद में आप अगर टेबल पर रख के डायरेक्ट बात करते हो, जैसे कि मेरे वीडियोज़ में होता है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी लंबे टाइम तक आपका चलेगा विदाउट एनी इश्यूज़। यहाँ पर जो आप एक रेड बटन देख रहे हो, उसको प्रेस करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, टेढ़ा मेढ़ा आपको जैसे भी करना है वैसे कर सकते हो। ये हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आपको लंबे टाइम के लिए चाहिए और सिर्फ टेबल पे बैठ के या फिर एक जगह पे बैठ के ही बातें करनी है, उसके लिए ये काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है। आप इसकी रेटिंग्स भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी है, तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। नेक्स्ट जिस ट्राईपॉड की बात करूँगी, वो ऑलमोस्ट हर एक यूट्यूबर या टिकटॉकर के पास होता है। ये है अपना सबसे बेसिक वाला ट्राईपॉड, जो कि एल्यूमिनियम का आता है। ये सबसे मेरा पहला ट्राईपॉड भी यही था, एक्चुअली पहला ये नहीं था बट दूसरा यही था। इसको मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किया था, बहुत ही लाइट वेट है, और एक बात बताओ, बस अपना काम कर देता है। बहुत स्ट्रांग तो नहीं बोलूँगी बट हाँ, काम कर देता है। पहले मोबाइल से शूट करती थी तो इतना इश्यूज़ नहीं होता था, हाँ कैमरा से जब शूट करे तो लगता है कि थोड़ा अगर स्ट्रांग मेरे पास ट्राईपॉड हो तो बेटर रहेगा, इसलिए नया वाला सिम्पेक्स का यूज़ करती हूँ। ये वाला भी सिम्पेक्स का ही है, 333। आप ये मत सोचिएगा ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है सिम्पेक्स की तरफ से, मुझे इसके प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। 333 वाला मुझे लिंक मिला नहीं, इसलिए आपको 222 का लिंक दे रही हूँ,
काफ़ी सिमिलर प्रोडक्ट है। ये था मेरा सबसे पहला ट्राईपॉड। ये बेसिकली एक सिर्फ एक फ़ोन स्टैंड है जिसपे अपने देख के मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं। मैं पहले मोबाइल से ही शूट करती थी, तो इस तरह से इसमें मोबाइल रख देती थी और उसके बाद मैं फ्रंट कैमरा से, पहले वन प्लस का फ़ोन था, वन प्लस 3 था शायद, उससे शूट करती थी और फ़ोन को इस तरह से काफ़ी स्ट्रेट हद तक खड़े हो जाता है, उसके बाद मैं फ़ोन रख के शूट कर लेती थी। तो अगर आप कुछ भी अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहे, सिर्फ आपको शुरुआत करना है, तो आप एक स्टैंड ही ले लो कि बाय चांस अगर आपने आगे जाकर आपको यूट्यूब नहीं समझ में आया तो एज़ अ फ़ोन स्टैंड भी आपका ये काम आ जाएगा। ऐसा इशू नहीं होगा कि यार फालतू का इतना खर्चा लग गया और अब कुछ काम भी नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ भी 200 रुपये में अवेलेबल है ऑनलाइन, आप देख सकते हो, मल्टीपर्पज़ एज जैसा कि मैंने आपको कहा। तो ये कुछ 4-5 एक ट्राईपॉड्स है जो मैंने पास्ट काफ़ी 2 सालों में यूज़ किया है। और वैसे नॉर्मल प्रॉपर ट्राईपॉड का दाम 250 रुपये से स्टार्टिंग है। उस आप मोबाइल से शूट करते हो तो आप उसी से ही शुरू कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ 3,000-4,000 वाला ट्राईपॉड खरीदो, उसी से ही शुरुआत कर सकते हो। मुझे जो अच्छे प्रोडक्ट्स लगे मैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।